तो प्रकाशिकी के बारे में मैं आपको बताया, हो सकता है पिछली वीडियो में कुछ छूट गया हो, तुरंत सुन लीजिए। प्रकाशिकी के बारे में बताया तो अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इसमें से अपवर्तन और परावर्तन तो आपने 10th क्लास में पढ़ा ही है। विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी, टेलीस्कोप, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये सब भी प्रकाशिकी में ही है। इसके साथ साथ इंद्रधनुष का बनना, प्रिज्म से प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, इन सब के पीछे का कारण क्या है, ये सब हम प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। 4th क्लासिफिकेशन ऑफ द यंत्र की और क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसंबद्ध यंत्र के, दोलन, तरंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स। क्या है ऑसिलेशन और वेव्स में? कंपन, कंपन से क्या होता है? डिस्टर्बेंस, विक्षोभ कंपन से ही उत्पन्न होता है। इस डिस्टर्बेंस और विक्षोभ से क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है? तरंग, मेरी ध्वनि मेरे वोकल कॉर्ड में कंपन से उत्पन्न होती है। एक स्थान से कैसे आप तक पहुंची, आप जानते हैं, आपने पढ़ा 9th क्लास में, बिना माध्यम की ध्वनि संचरित नहीं होती। कंपन में यही सब तो पढ़ना है। संगीत, भाषण, ये सब कैसे उत्पन्न होता है, ये आपको पढ़ना है। इस विज्ञान का अगला पार्ट है, क्या है अगला पार्ट इसका? वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? आवेश, चुंबक, इनका प्रभाव, गॉस, फैराडे, एम्पियर जैसे तमाम साइंटिस्टों ने मिलकर के इनका आधारभूत नियम प्रदान किया। और क्या पढ़ते हैं इसमें? तमाम सारी चीजें। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रतिपादन किया। तमाम सारे लोग आए जिन्होंने विद्युत आवेश, चुंबक, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें की। धारा, रेडियो तरंगे, आयन मंडल में तरंगों का संचरण, आवेश की गति, आवेश के विराम से उत्पन्न प्रभाव, ये सब कुछ हम लोग इसी वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब आता है भौतिकी का सूक्ष्म प्रभाव। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मूल कण, इनकी पारस्परिक क्रिया, और इनका अध्ययन सबसे लेटेस्ट साइंस, सबसे ज्यादा मैजिकल साइंस, क्वांटम यांत्रिकी, इनके आधार पर करते हैं। बहुत ज्यादा विकसित नहीं अभी ये विज्ञान, किसी को इस क्वांटम यांत्रिकी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन दुनिया को बदलने की क्षमता, सबसे ज्यादा चमत्कारिक जो मैकेनिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। आज दुनिया इसकी ओर भाग रही है। लोग यही सोचते हैं कि इसमें सभी समस्याओं का हल है, जो मानव जीवन को पूरे तरीके से बदल सकता है। वास्तव में इस भौतिकी का अध्ययन बहुत ही उत्तेजक और रोमांचकारी है, बहुत ज्यादा उत्तेजक
और रोमांचकारी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें है क्या फिजिक्स? सभी साइंस का आधार है फिजिक्स, सभी प्रकार की साइंस का बेस है फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं इसमें, इस साइंस के बारे में, यह भौतिक विज्ञान इस विज्ञान जैसी चीज की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धक। इसके डिटेल्स का, इसके विस्तार का कोई लिमिट नहीं है, दिस इज अनलिमिट, और इतना ज्यादा है कि कोई कह ही नहीं सकता कि उसका संपूर्ण ज्ञाता है। बहुत लोग को लगता है बहुत टफ है, बहुत उबाऊ है, परंतु ऐसा है नहीं। अगर मनोरंजन सबसे अधिक किसी साइंस में है तो वो यही साइंस है। इसके पास सभी प्रश्नों का संभव उत्तर है। उत्तेजक, ज्ञानवर्धक। हम अगर गौर करें, प्रेक्षण करें अपने आसपास की घटनाओं का, तो बहुत सारा विज्ञान, बहुत सारी भौतिकी छुपी है उसमें। कोई विज्ञान, कोई इस भौतिक विज्ञान से अछूता नहीं है। जब सेब गिरते देखा तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोज दी। पतीली के ऊपर नीचे होने से भाप इंजन बना दिया गया। गैलीलियो ने चर्च की लैंप से समय मापना बता दिया। आर्कमिडीज ने पानी गिरते हुए टब से जो पानी ऊपर निकल जाता है उससे उन्होंने प्लवन थ्योरी दे दी। जब कोई विद्युत सोर्स नहीं था और फैराडे ने देखा कि केवल चुंबक के गति करने से किसी बंद कुंडली से धारा बहने लगती है। प्रेक्षण मनुष्य से, एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूं कुछ लोगों से जब मैं पढ़ाता रहा ऑफलाइन क्लासेस, कि विज्ञान का वास्तविक जन्म चीजों के प्रेक्षण से हुआ है। क्या न्यूटन से पहले किसी ने सेब गिरते नहीं देखा होगा? देखा है, लेकिन वो प्रेक्षण नहीं था, वह देखना मात्र था। प्रेक्षण कब होता है? जब आपकी नजर किसी चीज पर पड़े तो आप उसके कारण पर चिंतन करें। कितने सारे साइंटिस्ट तो केवल ऑब्जर्वेशन के बेस पर पैदा हो। प्रेक्षण ही आपको वैज्ञानिक बनने, तर्कपूर्ण बनने, प्रगति को, जीवन को प्रगतिशील बनाने का एक मार्ग प्रशस्त करती है। प्रेक्षण करना शुरू करिए। तार्किक बनिए। आगे बढ़ते हैं, मेरा आवश्यकता आपसे सब कुछ कराएगी, लेकिन यकीन मान लीजिए कि साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई नहीं, प्रेक्षण जरूरी है। जब विज्ञान का अभ्युदय काल रहा, जब विज्ञान पैदा हो रहा था, तो चीजों के प्रेक्षण किए जा रहे थे। बुद्धिजीवी उनका प्रेक्षण करते थे, घटनाओं का जो आसपास घटित होती थी, उनको, कारणों को जानने का प्रयत्न करते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान अजीवित विश्व का अध्ययन करती है, नॉन लिविंग थिंग्स का, और उन नॉन लिविंग थिंग्स से कुछ ऐसा बनाती है जो लिविंग थिंग, जीवित विश्व को भौतिक आधार दे सके, प्रगति करा सके, आगे बढ़ा सके। इस भौतिक प्रौद्योगिकी का, इस फिजिक्स टेक्नोलॉजी का हमसे क्या लेना देना है, क्यों नहीं लेना देना है, सोच कर देखिए। ये जो मशीनों की डिजाइन बनती है, ये लीवर सिस्टम फिजिक्स का एक पार्ट बनाता है। आज बड़ी आसानी से हम वायुयान से उड़ जाते हैं। ये बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है, तरल बहाव पर आधारित है, फ्लो ऑफ लिक्विड्स। उष्मा इंजन उष्मा को कार्य में बदलती ही है। अर्धचालक, संधि डायोड, कंप्यूटर,
मोबाइल सब तकनीक की ही तो देन है, फिजिक्स की ही तो देन है। आज आप क्लास पढ़ रहे हो, ये फिजिक्स की देन है। मैं अपलोड करूंगा, ये फिजिक्स की देन है। देखनी है फिजिक्स की देन तो कभी किसी केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में, किसी रेल के इंजन के अंदर। खोल कर देखिए, सुबह जब आप ब्रश करते हैं उस ब्रश की डिजाइन तक फिजिक्स तय करती है, वरना गलफड़े उफड़े फट जाएंगे, कान तक ब्रश निकल जाएगा। संभव नहीं है जीवन फिजिक्स के बिना। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं भौतिक जगत, इस जगत में भौतिकता कहां है? सब कुछ तो भगत जगत ही है, भगत नहीं है, हम भगत हैं फिजिक्स के। एक्सरे करते हैं आप, ये क्या है? फिजिक्स ही तो है। लेजर का यूज करते हैं। ये जो औद्योगिक क्रांति हुई है, जो दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसका बेस क्या है? फिजिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति आज सहजता से इस चीज को स्वीकार करेगा कि फिजिक्स हमारे जीवन स्तर को आगे बढ़ा रहा है। हर तरफ रिसर्चेस हो रहे हैं हमारे जीवन को सुलभ बनाने के लिए, कभी दबावों के लिए, कभी गति के लिए, स्पीड के लिए। तो लोगों के बीच की दूरी को कम करने के लिए, निरंतर मानव जीवन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो दिन भर बैल से हल लगा करके खेत जोतते थे, 4 बजे से ट्रैक्टर लेकर 2 मिनट पहुंच जाते हैं। बताता हूं आपको कुछ भौतिक वैज्ञानिकों का नाम जिन्होंने जीवन को बहुत सरल कर दिया अपने आविष्कार के माध्यम से। आप जानते भी हैं, सबसे पहले गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया। कितना कुछ जड़त्व पर आधारित है आप सोच नहीं सकते। ये बेसिक सिद्धांत है जिसको वैज्ञानिकों ने दिया। इन सिद्धांतों पर आधारित अनुप्रयोग होते हैं जो यंत्रों के स्वरूप को ले लेते हैं। इंजीनियर के पास हर समस्या का हल है। इंजीनियर प्रत्यक्ष स्वरूप है विज्ञान का, जो असंभव को संभव बना देता। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों को खोज की। बर्नौली ने द्रवों के प्रवाह का नियम और गैसों के गतिक सिद्धांत को समझाया। रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल का नियम दिया। कैल्विन ने परम ताप पैमाना दिया, आप जानते हैं, और उष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया। एस कार्नो ने उष्मा इंजन बनाई जो उष्मा को कार्य में कन्वर्ट करता है। हाइगन्स ने प्रकाश को वेव बताया, तरंग सिद्धांत। थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को, फ्रेनेल ने विवर्तन को, फराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्लार्क मैक्सवेल ने प्रकाश को समझाया कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। एम्पियर ने विद्युत धारा तथा चुंबकत्व के बारे में जानकारी दी। आर.ए. मिलिकन ने आवेश का क्वांटीकरण समझाया। सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, क्यू बराबर एनी दैट्स यू सीन इन द 10th क्लास। टॉमसन ने परमाणु के नाभिक, परमाणु मॉडल, तमाम सारी चीज, इलेक्ट्रॉन के आवेश, विशिष्ट आवेश, ई बाई एम, इन सबको कैलकुलेट किया। रदरफोर्ड ने पहली बार कृत्रिम रूपांतरण, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की प्रकीर्णन प्रयोग, निल्स बोर ने हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल, प्लांक ने विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, रेडिएशन, आइंस्टीन तो जानते ही हो सापेक्षता का अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत, रॉन्टजेन ने एक्सरे, एच यूकावा ने न्यूक्लियर फोर्सेस की उत्पत्ति के बारे में अपने मत दिए, बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी खोजा, डी ब्रॉगली ने डबल नेचर ऑफ द मैटर वेव्स, श्रोडिंगर ने तरंग यांत्रिकी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी, अनिश्चितता का सिद्धांत, श्री वी रमन ने
प्रकीर्णन रमन प्रभा हैस ने अंतरिक्ष किरणों का आविष्कार कार्य किए। एच.जे. भाभा ने अंतरिक्ष किरण सावर, इंडियन साइंटिस्ट थे। एस.एन. बोस ने क्वांटम यांत्रिकी और पी.एम. डिराक ने इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिकीय सिद्धांत और क्वांटम सांख्यिकी पर अपना कार्य किया। एस.एन. बोस ने भी क्वांटम सांख्यिकी पर कार्य किया था। आइए सुनते हैं भौतिकी नियमों के कुछ प्रकृति के बारे में। बात करते हैं भौतिक नियमों के प्रकृति की, नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। फिजिक्स के जो नियम हैं, उन नियमों की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या होगा। आप जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स में छोटे से छोटे कण से लेकर नाभिक से लेकर बड़े से बड़े कण, गैलेक्सी, तारामंडल, नक्षत्र, इन सबको स्टडी करते हैं। इनकी स्टडी करने के रिसोर्सेस, विधि सब अलग अलग है, तो वो नियम भी अलग है जिनका ये छोटे से छोटे कण और बड़े से बड़े कण पालन करते हैं। बहुत सारे निकाय कण ऐसे हैं जो समय के अनुसार बदलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो समय के साथ बदलते नहीं। कुछ निकाय नियत रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, या उनमें कुछ मूल चीजें संरक्षित रहती हैं जिनको हम संरक्षण के नियम के रूप में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स के कुछ ब्रह्मास्त्र हैं जिनको हम संरक्षण के नियम, कंजर्व्ड या कंजर्वेशंस ला, और ऐसी चीजों को कंजर्व्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जिनमें से कुछ संरक्षण के नियम हैं, ऊर्जा संरक्षण, क्या है ऊर्जा संरक्षण? कहते हैं कि अगर किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी है, अगर किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी है, अब संरक्षी बल क्या है? अगर कार्य प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर ना करे, अगर वर्क एनर्जी इस अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के पथ पर निर्भर ना करें, जैसे आप 10th में थे, अगर आप यहां से इतनी ऊंचाई ऊपर गए तो आपकी ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होगी MGH, और अगर आप ऐसे भी गए होते तो भी आपकी यहां एनर्जी कितनी होती, MGH। यहां पर जो बल कार्य कर रहा है MG, ये संरक्षी बल है, ये पथ पर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ये बल, भार, वेट, ये पथ पर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ऐसे बलों के अधीनस्थ जो कार्य होती है उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी गति जो प्लस स्थितिज, ऐसे बलों के अंतर्गत कार्य कि कुल ऊर्जा गतिज और प्लस क्या स्थितिज, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। आप जानते भी हैं अगर कोई वस्तु मुक्त पतन में हो, 9th में बताया गया होगा आपको, जब ऊपर से कहां गिरती है, नीचे, मुक्त पतन में जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो यहां उसकी कुल गतिज और प्लस स्थितिज यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यहां आएगा तो फिर गतिज और स्थितिज यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, लेकिन उसके लिए बल संरक्षित होना चाहिए, यानी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर क्या न करे, निर्भर न करे,
प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच। यह संरक्षण का व्यापक नियम है कि पूरे प्रक्रम, पूरे परिवर्तन के दौरान, ऊपर से नीचे आने के दौरान, यहां से यहां आने के दौरान, किसी भी बिंदु पर निकाय की गतिज और स्थितिज कुल ऊर्जा किसी भी बिंदु पर नियत रहती है। और ऊर्जा संरक्षण के व्यापक स्वरूप की बात करें तो सीधी बात, सभी प्रकार के बल और सभी प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण में यह सत्य है। कैसा भी बल हो, व्यापक तरीके से देखा जाए तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है कि कहीं पर भी ऊर्जा के एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता। एक स्वरूप में जितना बदलेगी दूसरे स्वरूप में उतना उत्पन्न हो जाएगी। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला आता है रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर किसी कण अथवा कणों के निकाय, तीन कण है इसमें, तो ये कणों का निकाय है, एक दो तीन, अगर इन पर कोई बाह्य बल ना लगे, बाहर से कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो इन सब के संवेग का कुल मान नियत रहेगा। कुल मान नियत रहेगा। अगर बाहर से बल ना लगे तो इनके संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर बाहर से कोई बाह्य बल ना लगे, मैं हूं, आप हैं, मान लीजिए हम दोनों चल रहे हैं, हमारा कुछ संवेग है, आपका कुछ संवेग है, अगर हम पर बाहर से कोई बल ना लगे, न गुरुत्वाकर्षण, न आकर्षण, न घर्षण, न प्रतिकर्षण, हम टकरा जाएं आपस में, तो टकराने के बाद और टकराने के पहले हम दोनों के कुल संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कोई कण अथवा कणों का निकाय, अगर इस पर कोई बाह्य बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स न लगे, तो जितना संवेग इन तीनों का पहले था, 20 मिनट बाद भी संवेग उतना ही होगा। कुल मान तीनों के संवेगों का योग, यानी बाहर से बल ना लगे तो कण अथवा कणों के निकाय में, निकाय के संवेग में परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, देखिए द्रव्यमान संरक्षण के बारे में आइंस्टीन के समीकरण की बात कर रहे हैं कि क्या चीज है द्रव्यमान संरक्षण, थोड़ा इसको गौर से देखिएगा आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप द्रव्यमान संरक्षण को अगर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण कहें तो ज्यादा बेहतर है। और आइंस्टीन के समीकरण को याद करें, इसका चिंतन करें, अगर ऊर्जा अपना स्वरूप बदल दे, लुप्त हो जाए, तो उसके तुल्य यम उत्पन्न हो जाता है। और अगर द्रव्यमान नष्ट हो जाए तो उसके तुल्य क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न। वास्तव में दोनों दो नहीं हैं, एक ही राशि के स्वरूप दो हैं। आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार दोनों को एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में। आइंस्टीन ने द्रव्य और ऊर्जा का एकीकरण कर दिया। इसका एग्जांपल आप समझेंगे जब 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, नाभिकीय विक्रिया। आप देखेंगे इस चीज को, पाएंगे आप इस चीज को, वहां आपको ज्यादा समझ में आएगी। यहां के कंपेरिजन में नोट कर लीजिए, कॉपी में बताऊंगा मैं आपको, गारंटी मेरी वहां आपको समझ में आएगी।
और गारंटी मेरी सब कुछ समझने की। आप एक काम करिए, अपने साथ वालों की संख्या बढ़ाते रहिए और सब पढ़िए आप इस फिजिक्स को जो मैं पढ़ा रहा हूं। बढ़ाते रहिए संख्या, बताते रहिए सबको कि सर पढ़ा रहे हैं। स्टार्टअप मैंने कर ही दिया आज, अपलोड करने में भले समय लगेगा, कम से कम वीडियो तो कम से कम बना के रखो। खैर आगे बढ़ते हैं। यानी एक बात याद रखिएगा इसमें द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण में कि ब्रह्मांड में समस्त द्रव्यमान और ऊर्जा का कुल योग नियत है। द्रव्य प्लस ऊर्जा का कुल योग नियत है। यह हो सकता है ऊर्जा कभी द्रव्य में बदल जाए और द्रव्य कभी किसमें बदल जाए, ऊर्जा में, लेकिन कुल योग नियत है। अगला है आवेश संरक्षण। पुरानी कहानी, ना तो तुम आवेश उत्पन्न कर सकते हो ना तुम आवेश को नष्ट कर सकते हो। स्वरूप तो बदल ही सकते हो, आवेश नष्ट होगा उसके समतुल्य ऊर्जा पैदा हो जाएगी, लेकिन कुल आवेश का मान नियत है, न वो बढ़ता है न वो घटता है। तुम नया आवेश कोई बना नहीं सकते और किसी आवेश को तुम नष्ट नहीं कर सकते, उसके तुल्य ऊर्जा पैदा हो जाएगी। तो यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, कुल आवेश संरक्षित रहता है। बहुत अच्छे से समझोगे इसको, थोड़ा और समय आने दो, 12th तक जाओ। ये कुल मिलाकर के आपके फिजिकल वर्ल्ड का, भौतिक जगत जैसे चैप्टर का जिसको कोई नहीं पढ़ाता, सब छोड़ देते हैं। मैंने आपको एक समरी, एक सारांश दे दिया। अब हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, मापन, मात्रक और त्रुटि विश्लेषण के साथ, अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना काम करते रहिए। मैं आप लोग से कुछ कहूंगा नहीं 11th वालों से, लेकिन आज एक बात कहूंगा, हमारा टारगेट 500 होना चाहिए। अगर समझ गए हैं तो पालन करिए। अगले चैप्टर के साथ हम आपको फिर मिलेंगे, टारगेट 500 की बात। ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।